हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म एब्जर्ड की। एब्जर्ड के माने आते हैं बेतुका, इरेशनल, सेंसलेस, क्रेजी, यानी जहाँ पर बात का कोई भी मतलब ना हो, कोई भी मीनिंग ना हो, बात बिल्कुल बेतुकी मालूम हो। आपने अक्सर कॉमेडियन को देखा होगा, जैसे कि आप मशहूर कॉमेडियन बी को देखें या आप चार्ली चैपलिन को देखें या और भी कॉमेडियन जो कैरेक्टर हैं आप उनको देखें, वो जो परफॉर्म करते हैं वो अक्सर बेतुका मालूम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एब्सर्डिज्म का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है बेतुका। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर इससे पहले या इसके आसपास आपको दो थियरी देखने को मिलती हैं, एक होता है निहिलिज्म और एक होता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। निहिलिज्म का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि गॉड इज डेड। निहिलिज्म में साफ कहा गया है कि गॉड मर चुका है, गॉड का कोई अस्तित्व नहीं है, खुदा नाम की, भगवान नाम की या ईश्वर नाम की कोई चीज कहीं भी मौजूद नहीं है। निहिलिज्म के अंदर सिर्फ सीधा सीधा गॉड का इनकार कर किया जाता है, जबकि एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर अपने वजूद को बचाने की कोशिश की जाती है। कोई कुछ हो या ना हो, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, सारी चीजें खत्म हो जाएं, लेकिन मेरा वजूद बना रहे। इंसान अपनी परवाह करता है, अपने अस्तित्व की परवाह करता है, किसमें? एग्जिस्टेंशियलिज्म थियरी के अंदर। और निहिलिज्म थियरी के अंदर ये कहा गया, साफ साफ कहा गया कि खुदा नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। ये दो थियरी थी। निहिलिज्म से इंसान पूरी तरह से मायूस हो गया, कोई भी धार्मिक जो वो एक्टिविटी कर रहा है, इन्होंने कहा इस थियरी में कि कोई फायदा नहीं है, कितनी ही तुम पूजा करो, कितनी ही खुदा की इबादत करो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खुदा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्टेंशियलिज्म में कहा गया है कि तुम किसी चीज की परवाह ना करो, किसी खुदा की परवाह ना करो, किसी दूसरे इंसान की परवाह ना करो, सिर्फ अपने आप की परवाह करो। ये दो थियरियां थी। क्लियर हो गया आपको, निहिलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। लेकिन एब्सर्डिज्म इनसे अलग क्यों है? एब्सर्डिज्म खुदा का साफ साफ इनकार नहीं करती। यहाँ पर यह कहा गया कि आपने जैसे कि वेटिंग फॉर गोडो देखा है कि खुदा है या नहीं है, आपको उसको ढूंढना है, आपको उसको तलाश करना है, किसी भी तरीके से आपको वेटिंग फॉर गोडो यानी खुदा का इंतजार करना है, क्योंकि खुदा हमारे सेंस से, हमारी समझ से, हमारी अंडरस्टैंडिंग से बहुत दूर की चीज है। खुदा होगा, हो सकता हमारे समझ में ना आया हो, ना हमने उसको देखा हो, ना हमारे अंदर कोई ऐसा जो है सवाल आया हो या कोई ऐसी समझदारी हमारे अंदर आई हो कि हम खुदा का पता लगा सके। तो एब्सर्डिज्म के अंदर ये कहा गया, खुदा का इनकार नहीं हुआ एब्सर्डिज्म के अंदर, ना अस्तित्व की बात हुई, इसमें ये कहा गया कि जो भी सच्चाई है खुदा से रिलेटेड, उसकी जो बातें हैं, अच्छाई बुराई, मोरालिटी, जो भी चीजें हैं, धार्मिक चीजें हैं, आपको उनका वेट करना है, आपको उन पर जो है सवाल करने हैं, सवाल आप करते रहें। देखो, सवाल करने में, खुदा के बारे में सवाल करना और उसका इनकार करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एब्सर्डिज्म के अंदर सवाल किया गया, खुदा कहाँ है, कैसा है। और ये जो थियरी है बेसिकली 1950 में वजूद में आई थी। एब्सर्डिज्म की जो शुरुआत है, ये जो थियरी का टाइम पीरियड है वो क्या है, 1950। आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 और 50 के बीच में चलता रहा है। ठीक है, 48 तक चला और उसके फौरन बाद ये थियरी वजूद में आ गई थी। अब सबसे बड़ा जो सवाल था वो गोल्ड का था, क्योंकि आपको आपने देखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोग इतने सारे मर गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोग मर गए, तो सबसे बड़ा सवाल अभी आया था कि गोल्ड नाम की कोई चीज है या नहीं है, और अगर है तो इतना विनाश कैसे हो गया। सभी लोग अपने अपने खुदा को मानते हैं, अपने अपने खुदाओं को पूजते हैं, तो इतना बड़ा किस तरह से दुनिया के अंदर नाश देखा गया, क्यों इतने सारे लोग मर गए। क्लियर है आप लोगों को? तो टाइम पीरियड 1950 के आसपास का माना जाता है।
आपने देखा है इसमें जो निहिलिज्म है, फ्रेडरिक नीत्शे जो बहुत बड़े फिलोसफर हैं, उन्होंने सीधा कहा कि गॉड इज डेड, खुदा मर चुका है, निहिलिज्म के अंदर ये कहा गया। क्लियर है? यहाँ पर जो एक बड़ा नाम है जिसने एब्सर्डिज्म की एक तरह से बुनियाद डाली, हालांकि उन्होंने अपने आप को कभी भी कोई फिलोसफर तो नहीं कहा, लेकिन एब्सर्डिज्म के अंदर उन्होंने काम किया है, नाम है एल्बर्ट कामू। ये जो पूरा टर्म है ना, ये वहीं से लिया गया, लेकिन क्वाइन नहीं किया उन्होंने, क्वाइन नहीं किया है, बल्कि ये जो पूरा टर्म है, लिटरेरी टर्म एब्सर्डिज्म, ये वहां से ड्राइव किया गया है। कहां से? ये एल्बर्ट कामू। क्लियर आप लोगों को? बाद में जाके मार्टिन एसलिन ने, उन्होंने बाकायदा एक किताब लिखी द थिएटर ऑफ एब्सर्ड 1961 में, तब उन्होंने इसको एब्सर्डिज्म का एक पूरा का पूरा नाम दिया है। अगर एब्सर्डिज्म जो टर्म है उसको कोइन आउट करने की बात आए तो आप नाम लेंगे मार्टिन एसलिन का, लेकिन अगर फाउंडर की बात आए, इन्वेंटर की बात आए कि किसने इसको फाउंड किया है, किसने इसको इन्वेंट किया है, तो एल्बर्ट कामो है। एल्बर्ट कामो ने पहले काम कर लिया था इसमें, बाद में मार्टिन एसलिन ने एक राइटर का ग्रुप लिया और उस ग्रुप को उन्होंने कहा कि इनका जो वर्क है वो कैसा है, एब्सर्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ वर्क देखें जैसे कि बैकेट का वेटिंग फॉर गोडो है, यूनेस्को का बाल्ड, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर एक चीज है जो एल्बर्ट कामू ने, जैसे कि आपने सिगमंड फ्रॉयड को देखा होगा, है ना, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस, उसने ओडिपस की थियरी लेकर एक पूरा सा टर्म बना दिया, ऐसे इलेक्ट्रा कि उसने एक मिथ लेके एक पूरा टर्म बना दिया, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसी तरह एल्बर्ट कामू ने भी एक बहुत पुरानी मिथ है, मिथ ऑफ सिसिपस, मिथ ऑफ सिसिपस, उसने मिथ को पढ़ा, उसको समझा। इसमें क्या है, सिसिफस नाम का एक इंसान है या कोई चीज है, देवता है कोई, पुरानी मिथ है, तो उसमें इस तरह का कोई देवता है या कोई इंसान है। आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा कि एक इंसान नाम की, इंसान जैसी कोई चीज है और वो पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर चढ़ाती है ना, बहुत बड़ा सा पत्थर है इधर इंसान, और वो उसको चढ़ाता हुआ दिखाई देता है, ये एक मिथ है। हुआ ये था कि सिसिफस से कोई गलती हो गई थी, कुछ जुर्म हो गया था, और उसकी सजा उनको ये दी गई कि तुम्हें ये बड़ा सा पत्थर पहाड़ के ऊपर तक लेके जाना है। अब बताओ, इतना बड़ा पत्थर है, वो उसको कैसे लेके जाएंगे, और फिर पहाड़ चढ़ाई है, चढ़ाई पर कैसे चला जाएगा इतना बड़ा पहाड़ पत्थर, ठीक है। तो लेकिन उनको ये सजा दी गई कि आपको ये किसी भी हालत में ये इसको ऊपर तक लेके जाना है। तो अगर इतने बड़े पत्थर को आप पहाड़ के ऊपर चढ़ाएंगे, पहली बात तो खुद ही चढ़ना मुश्किल है पहाड़ के ऊपर, लेकिन फिर एक पत्थर को भी लेके जाना है ऊपर, तो क्या ये आपको सेंसलेस नजर नहीं आ रहा है? इसका मतलब तो यह कि वो इंसान पूरी जिंदगी उसे चढ़ाता रहेगा, वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पत्थर पहाड़ पर नहीं चढ़ेगा। क्लियर है? तो यही है, आप वेटिंग फॉर गोडो में देखें, पूरा जो उनका प्ले है बैकेट का वो खत्म हो जाता है, लेकिन गोडो उनको नहीं मिलता है ही नहीं, ठीक है। ये चीजें हैं, तो उन्होंने मिथ ऑफ सिसिफस को पढ़कर एक टर्म निकाला एब्सर्ड, और इसी पर एल्बर्ट कामो ने काफी काम किया है। सिसिफस की मिथ समझ में आ गई ना, एक पत्थर को पहाड़ पे लेके जाना है जो कि मुमकिन ही नहीं है, तो इसी तरह उन्होंने कहा कि एब्सर्ड चीजें क्या हो रही हैं, दुनिया के अंदर एब्सर्ड चल रहा है। क्लियर है? यहां पर एब्सर्डिज्म के अंदर बात होती है डिटर्मिनेशन की, क्वेश्चंस की, क्या आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको खुदा को लेकर इनकार नहीं कर देना, आपको उसको भूल नहीं जाना, बल्कि उसको याद रखकर, दिमाग में रखकर उसको लेकर सवाल करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। हो सकता है कि खुदा तो हो दुनिया के अंदर, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हो या हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ नेम है जिनको मार्टिन एसलिन ने एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट के रूप में लिखा है, जैसे कि बैकेट आपको पता है, यूनेस्को है, एडमो है और जेनेट है, ये कुछ नेम है, ठीक। क्लियर है? समझ आ गया होगा आपको काफ़ी कुछ। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।